आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं यस बैंक स्टॉक के बारे में। यहाँ देखेंगे एडिटोरियल्स सीएनबीसी टीवी 18 का कि हैव सीन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन एनपीए, एआरसी ट्रांजैक्शन शुड बी कॉम्प्लिकेटेड बाय नवंबर एंड वी वुड गेट 15% एज कैश फ्रॉम एआरसी डील। एआरसी का जो न्यूज है वो आपको नवंबर में कंफर्म होते हुए दिखेगा। और यहाँ देखेंगे तो जो एमडी है उसके द्वारा कुछ बड़ी बातें कही गई है। क्रेडिट कॉस्ट विल रिमेन अंडर गाइडेंस, एनपीए विल कम डाउन नियर 1% पोस्ट एआरसी ट्रांसफर। और ये वन ऑफ द बेस्ट न्यूज है एआरसी को लेकर के, क्योंकि कंपनी जिस प्रकार से डेट और एनपीए को लेकर के कंटिन्यूअस मार झेल रही थी वो अगर हट जाए तो स्टॉक डेट फ्री भी हो सकती है और यहां से टर्न अराउंड स्टोरी दिख सकता है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हैज कम डाउन 10 basis points, यील्ड इज अप बाय अराउंड 15 basis points, दी ग्रोथ इन लार्ज कॉर्पोरेट एंड रिपेमेंट किप्ड ग्रोथ इन चेक। और ये हमने देखा भी नेट इंटरेस्ट इनकम के थ्रू। ARC transaction should be completed by November and equity invest in ARC will be around 300 crore, cash inflow will be near 1000 crore। ये कुछ बातें एमडी के द्वारा कही गई। रिजल्ट देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने जहां कहा कि बुरा रिजल्ट है, हमने कहा कि रिजल्ट बैड नहीं है, लेकिन बाइंग करने से इस समय बचेंगे क्योंकि ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन करा है। ये स्टॉक देखे तो 15-14 तक के लेवल दिख सकता है। इन्वेस्टर पैनिक सेलिंग नहीं करें, जो बाइंग करना चाहते हैं 15 के नियर अराउंड का प्राइस एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और यहां देखें तो 16.50 रुपीज का एक रिजेक्शन दिखा है, उसको ब्रेकआउट करता है तो ट्रेंड काफी अपट्रेंड यहां से दिख सकता है।